हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ आपके सब्जेक्ट इंग्लिश का कल का टेस्ट, जो कि मासिक मूल्यांकन माह जुलाई का टेस्ट है। और इसमें जो हम देखेंगे कि पूर्णांक जो है वो 20 मार्क्स है, और साथ में टाइम जो है वो आपको एक घंटे का टाइम मिल जाएगा। जैसा कि आज आपका दो विषय का टेस्ट हो गया है, जिसमें कि एक संस्कृत था और दूसरा हिंदी था, और कल आपका विज्ञान और इंग्लिश का टेस्ट होने वाला है। तो इसमें जो फर्स्ट वीडियो है इंग्लिश की, उसके बाद मैं सेकंड वीडियो जो अपलोड करूँगी उसमें मैं आपको साइंस के सारे क्वेश्चंस और उनका सॉल्यूशन भी लेकर आऊँगी। साथ में यहाँ पे इंग्लिश में भी मैं आपको सारे क्वेश्चंस को अच्छे से ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगी, साथ में उनके आंसर्स भी बताने वाली हूँ। तो इसका जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके डाउनलोड कर लेना है, और साथ में वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे कि आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, उसके हम छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन में रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपको नीचे पैसेज पढ़ना और साथ में उनके उत्तर देना है। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो पैसेज है, पैसेज में दो प्रश्न दिए हुए हैं नीचे, प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 2, तो ये दोनों एक एक नंबर के होंगे। हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है वो फेस्टिवल से रिलेटेड पैसेज है, और यहाँ पे हम देखेंगे पहला जो प्रश्न है वो क्या है, विच इवेंट डज द स्कूल होस्ट एवरी ईयर। स्कूल हर साल कौन सा इवेंट होस्ट करता था, तो यहाँ पे हम देखेंगे, ये देखिए कल्चरल फेस्टिवल, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे सेकंड वाला, हाउ डज़ द कल्चरल फेस्टिवल एंड, कल्चरल फेस्टिवल जो है वो किस तरीके से एंड होता था। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे एंड विद अ मैग्निफिसेंट डिस्प्ले ऑफ फायर वर्क्स, तो यहाँ पे हम देख लेंगे डिस्प्ले ऑफ फायरवर्क्स, यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर सी, तो ये दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर टू में है रीअरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड वर्ड टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, तो इसका हो जाएगा कैन यू, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा कैन यू स्टैंड ऑन वन लेग, मतलब क्या तुम ऑन के बाद फिर वन लेग, क्या तुम एक पैर पर खड़े हो सकते हो, और क्वेश्चन मार्क भी लगाना नहीं भूलना है। कैन यू स्टैंड ऑन वन लेग, अब इसमें ये ध्यान रखना है कि आप हमेशा क्या करते हैं, एक तो एक आध कोई भी वर्ड को इधर उधर कर देते हैं, जिससे आपको पूरे नंबर नहीं मिलते, एक नंबर का क्वेश्चन आपको पूरे नंबर मिलेंगे यदि आप सारा का सारा एज इट इज़ लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन मार्क को लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड है सीमा मनी विद हिम कैप, तो इसका हो जाएगा सीमा कैप्ट मनी विद हिम, ठीक है। तो ये जो है इसमें आखिरी में क्या है, क्वेश्चन मार्क नहीं, सिर्फ फुल स्टॉप है, तो आपको फुल स्टॉप लगा देना, ठीक है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट 10 सेंटेंसेस अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड फैमिली, तो यदि आपको बेस्ट फ्रेंड या फिर फैमिली के बारे में आपको 10 वाक्य लिखना है। दूसरा यहाँ पे चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है वो है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर 2 डेज लीव, तो लीव का एप्लीकेशन आपको लिखना है आपके प्रिंसिपल को, जिसमें आपको 2 दिन की छुट्टी के बारे में उनसे रिक्वेस्ट करना है। तो चलिए इन दोनों क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। तो हमें यहाँ देखेंगे पहला, माय बेस्ट फ्रेंड इज़ राहुल, तो राहुल की जगह आप कोई भी अपने फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं, जैसे किसी गर्ल का या किसी और बॉय का नाम लिखना तो आप लिख सकते हैं, ही इज़ 8 years old, ठीक है, उसकी उम्र जो है वो 8 साल है, ही इज़ माई क्लासमेट, वो मेरा सहपाठी है, साथ में पढ़ने वाला। उसके बाद ही इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, वो एक बहुत ज़्यादा होशियार लड़का है, छात्र है। हिज फेवरेट सब्जेक्ट इज़ मैथ्स, का जो सबसे पसंदीदा जो विषय है वो गणित है। ही लव्स टू प्ले क्रिकेट, उसको क्रिकेट खेलना पसंद है।
फिर उसके बाद हो जाएगा वी स्टडी एंड प्ले टुगेदर, हम साथ में पढ़ते हैं और खेलते भी हैं। ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, वो बहुत मेहनती है। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, वो हमेशा सच बोलता है। आई लव हिम वेरी मच, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। और जो लड़कियाँ हैं वो यहाँ पे आई लव किसी लड़की के लिए लिखना है तो आई लव हर वेरी मच, तो हिम की जगह लड़की के लिए हर हो जाएगा। और यहाँ पे जहाँ जहाँ ही लिखा है उसकी जगह पे आपका शी हो जाएगा। एस कैपिटल बनाएं जब सेंटेंस शुरू करें तो एस एच ही शी हो जाएगा, ठीक है। दो जो डिफरेंस हैं यहाँ पे, जैसे हिज है तो हिज की जगह पे यहाँ पे हर हो जाएगा, ठीक है। हिम की जगह पे भी हर हो जाएगा, हिज की जगह पे भी हर हो जाएगा, ही की जगह पे शी हो जाएगा। आई होप आपको जो भी मैंने समझाया वो अच्छे समझ में आ रहा होगा। उसके बाद एप्लीकेशन में आपको यहाँ पे टू द प्रिंसिपल आपके स्कूल का नेम, फिर रिस्पेक्टेड सर एप्लीकेशन फॉर 3 डेज लीव, फिर उसके बाद आप अपना नेम लिखेंगे, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th की जगह पे यहाँ 9th कर देना है, फिर स्कूल का नाम लिख देना है। उसके बाद आई एम अनवेल, मतलब मैं ठीक नहीं हूँ, ऑन एडवाइस ऑफ माई डॉक्टर, ये सब मत लिखिए, ये काट दीजिए। तो आप ये लिख दीजिए आई एम अनवेल, रिक्वायर 3 डेज ऑफ लीव टू रिकवर, मैं ठीक नहीं हूँ और मुझे 3 दिन की छुट्टी की ज़रूरत है रिकवर होने के लिए। आई काइंडली रिक्वेस्ट योर परमिशन टू, आप यहाँ से योर परमिशन भी काट दीजिए। आई रिक्वेस्ट टू ग्रांट मी लीव फ्रॉम 1 इतना टू डेट, अपने हिसाब से लिख दीजिए इतने से इतने तक, ठीक है। उसके बाद फिर बस फिर उसके बाद योर अंडरस्टैंडिंग इज़ मच अप्रिशिएटेड, यदि आपको लिखना है तो लिखें, नहीं तो ज़रूरी नहीं। फिर थैंक यू करके नीचे यहाँ पे योर स्टूडेंट या योर ओबीडियंटली, योर स्टूडेंट या तो योर स्टूडेंट लिख दीजिए या फिर योर ओबीडियंटली, ठीक है। ऐसे करके आप यहाँ पे अपना एक्स वाई जेड करके नेम लिख दीजिए, क्लास लिख दीजिए योर स्टूडेंट करके। फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द ऑपोजिट्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, अंडरलाइन वर्ड का आपको ऑपोजिट लिखना है। तो देखिए यहाँ पे जो रिच है, रिच का हो जाएगा पुअर, ठीक है। उसके बाद फिर है लव्ड, तो लव्ड का हो जाएगा यहाँ पे, लव्ड का हो जाएगा यहाँ पे हेटेड, ओके। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे आपको कंप्लीट करना है। आई वॉश माय हैंड, फिर यहाँ ब्लैंक दिया हुआ, आई हैव लंच, तो हमें अपने हाथ धोना चाहिए बिफोर लंच, मतलब कि खाने के पहले। फिर मरीना विद अराउंड 30 km इज द खालिस्तान, यहाँ पे दिया हुआ है ब्लैंक बीच इन इंडिया, तो यहाँ हो जाएगा ये लॉन्गेस्ट, ठीक है। जो मरीन है वो, मरीना जो है वो 13 किलोमीटर लंबा, सबसे लंबा जो बीच है वो इंडिया का है, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4th, होली इज सेलिब्रेटेड, तो यदि यहाँ मंथ दिया है तो मंथ के साथ इन आ जाएगा, ठीक है ना। यदि डेट दी हुई होती तो ऑन आता, बट यहाँ मंथ है फरवरी या मार्च में होली मनाई जाती, तो यहाँ पे आप पिन लगा दीजिए। अब उसके बाद हम देखेंगे एमलीज आई वाइडेंड एंड शी टुक अ स्टेप एज सॉ लार्ज स्पाइडर क्रॉलिंग टुवर्ड्स हर, विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब एमलीज रिएक्शन। एमली जो थी उसने एक बड़ी मकड़ी को देखा उसके सामने और उसकी आंखें जो है वो चौड़ी हो गई या फटी की फटी रह गई, तो क्या हुआ, उसने एक स्टेप भी पीछे ले लिया, तो इसमें आप लिखेंगे इसका जो है वो स्कैर्ड, मतलब वो डर गई, ठीक है, वो डर गई इसलिए उसने ऐसा किया, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। तो ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ दिवाली पीपल लाइट अप देयर होम्स विद लैम्प्स बर्स्ट फायर, तो जो लोग हैं वो लैम्प्स को जलाते हैं और लैम्प से अपना घर रोशन करते हैं और आग से क्या को जलाते हैं, तो क्रैकर्स, क्रैकर्स यानी होता है पटाखे। उसके बाद फिर एवरी ईयर अवर फैमिली गैदर्स, फिर फिल इन द ब्लैंक है क्रिसमस विद अ बिग फीस्ट एंड द एक्सचेंज गिफ्ट, तो हम हर साल हमारी फैमिली जो है वो इकट्ठी होती है क्रिसमस
को काय के लिए, तो मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, और साथ में गिफ्ट को आदान प्रदान करती है। तो ये था आपका इंग्लिश का पेपर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो इस पेपर को अच्छे से आप लर्न कर लीजिए, और साथ में आपके टेस्ट के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सेकेंड जो टेस्ट होने वाला है कल साइंस का, उसके साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।